लव लॉजिक्स हेलो दोस्तों, लव लॉजिक्स चैनल में आपका स्वागत है। ये कहानी शुरू होने से पहले जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबा दीजिए, क्योंकि हम आएंगे हर बार एक नए लव स्टोरी के साथ। मोहनदास जी बहुत बड़े बिजनेसमैन थे। बंगला, गाड़ी, नौकर चाकर किसी में कोई कमी नहीं थी, पर कमी थी तो बस एक औलाद की। उनकी पत्नी सरस्वती देवी रोज मंदिर में माथा टेकती थी, हजारों व्रत उपवास करती थी, पर कोई फायदा नहीं हुआ। ऐसे ही 8 साल बीत चुके थे उनके शादी को। सुनिए, आज आप भी चलिए ना, एक बाबा हिमालय से आए हैं, वो सब कुछ बता सकते हैं। इंसान को देखते ही उनके मन की बात समझ जाते हैं। मैं क्या कह रही थी, क्यों ना हम वहाँ पे चल के हमारी मनोकामना पूरी करने की कोशिश करें। सरस्वती, इतना तो सब कर ही रही हो, अब ये बाबा के पास जाना मुझे मन नहीं कर रहा। तुम्हें जाना है तो तुम हो आओ। अरे आप मना मत कीजिए, ये बस आखिरी बार चलिए, फिर मैं और कहीं भी नहीं बोलूंगी चलने को। अच्छा ठीक है, मैं मैनेजर से बात करके समय निकालता हूँ। एक दिन मोहनदास और सरस्वती बाबा से मिलने निकल पड़े। उस बाबा के पास बहुत भीड़ जमी थी, पर मोहनदास और उनकी पत्नी की शक्ल देखते ही बाबा सचमुच ये बता दिए कि दोनों संतान कामना से वहां तक आए हैं। देखो बेटी, झूठ नहीं बोलूंगा मैं, तुम्हारे नसीब में संतान योग नहीं है। अगर मेरे उपचार से संतान योग बन भी जाए तो तुम दोनों में से किसी एक को अपने किसी प्रिय चीज से हाथ धोना पड़ेगा। क्या तुम फिर भी संतान चाहते हो? हाँ बाबा, मैं हर हाल में एक बच्चा चाहती हूँ, मुझे माँ बनना है बस, चाहे उसके लिए मुझे कोई भी कीमत चुकानी पड़े, मैं तैयार हूँ। बाबा के उपचार से कमाल हो गया। कुछ ही महीनों में पता चला कि सरस्वती सच में माँ बनने वाली है। उनका पूरा बंगला खुशी से भर गया। पर ये खबर सुनके मोहनदास जी जितना खुश हुए उससे ज्यादा चिंता में पड़ गए। अगर बाबा के उपचार से सरस्वती सच में माँ बनने जा रही है तो बाबा का कहा हुआ इसका परिणाम भी निकट ही होगा। हे भगवान, मेरे परिवार पे कृपा दृष्टि बनाए रखो प्रभु। मोहनदास जी का डर सरस्वती के बढ़ती प्रेगनेंसी के साथ और ज्यादा बढ़ता गया, और जिस दिन सरस्वती की डिलीवरी हुई उसी दिन वो बस एक बार अपने बच्चे को देखते ही हमेशा के लिए ये दुनिया छोड़ के चली गई। सरस्वती बेटे को पास पाकर भी पत्नी को भुला पाना मोहनदास जी के लिए नामुमकिन था। वो ये निश्चित कर चुके थे कि कभी भी दूसरी शादी नहीं करेंगे, इसलिए उनके नन्हे से बच्चे का ख्याल रखने एक नैनी को अपॉइंट किया गया। मिस डिसोजा, मुझे कुछ दिनों के लिए बिजनेस के सिलसिले में लंदन जाना होगा, इस दौरान तुम्हें मेरे बेटे अद्विक का पूरा ध्यान रखना है। जी साहब, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मैं बाबा को संभाल लूंगी। बाकी घर पे सब काम करने वाले हैं ही, कुछ जरूरत पड़े तो उनसे मांग लेना। जी साहब, थैंक यू। यहीं से शुरू हुआ मोहनदास जी का फैमिली से दूर रहकर बिजनेस बढ़ाने का नशा। देश विदेश घूमते घूमते वो धीरे धीरे अपनी पत्नी सरस्वती को खोने का दुख तो भुला दिए, पर साथ में बेटे को उसके हक का प्यार देना भी उनके लिए मुमकिन नहीं हो पाया। इधर अद्विक बड़े होते होते ये समझ चुका था कि उसके घर में वो जिसको भी देख रहा है वो सब उसके नौकर हैं और वो अकेला मालिक। उसको पता था कि उसके पापा हैं जो साल में बस 5-6 बार अपना शकल दिखाने घर आते हैं, और बेटे के लिए ढेर सारे कीमती खिलौने फॉरेन से ले आते हैं। डिसोजा आंटी,
मैं बाहर जा रहा हूँ। अद्विक, तुम बाहर कहाँ जा रहे हो? पापा मना किए हैं तुम्हें बाहर जाने के लिए, हमारे गार्डन में खेलो। मैं पिंजरे में बंद रहने वाला कोई चिड़िया नहीं हूँ जो मुझे इस बंगले के अंदर हमेशा बंद रखोगे। मैं बाहर जाऊंगा, दोस्तों से मिलूंगा और जरूरत पड़े तो रात भर भी बाहर रुकूंगा। और हाँ, मैं ना तो तुमसे डरता हूँ और ना ही मेरे पापा से। बोल देना उन्हें वो बस बिजनेस संभाले, मैं खुद को संभाल लूंगा। पर अद्विक, डिसोजा आंटी, तुम मेरी नौकर हो, माँ बनने की कोशिश मत करो, चलता हूँ। मोहनदास जी का बेटे को टाइम ना दे पाना, उसे अकेला छोड़ देना, ये सब बहुत भारी पड़ रहा था उनपे। अद्विक की हरकत दिन ब दिन खराब होने लगी थी। उसको बिल्कुल पसंद नहीं था कि उसके डिसीशन के आगे कोई कुछ बोले। उसे बस अपनी मनमानी करनी थी। घर से ढेर सारे पैसे लेकर दोस्तों के साथ उड़ाने की बुरी आदत भी लग चुकी थी उसे। फिर एक दिन अद्विक, कहां से आ रहे हो? ओ डैड, आप 6 महीनों के बाद घर आए हैं, पहले बता देते तो मैं कल रात को रुक जाता घर पे। उम्र बढ़ने के साथ पापा से कैसे बात किया जाता है वो शायद भूल गए हो तुम। आप मेरे पापा हैं, इतना याद रखना बड़ी बात नहीं लगता आपको? कमाल है। मैं चलता हूँ, कल रात से टायर्ड हूँ। अब मोहनदास जी जितना भी कोशिश कर लिए पर अद्विक को ना तो घर पे रख पाए और ना ही उसके बुरे आदतों पे लगाम लगा पाए। अब उन्हें एक ही तरीका सुझा कि अगर वो अद्विक की शादी किसी एक अच्छी लड़की से करवा दें तो वो जरूर सुधर जाएगा। इसी उम्मीद से वो एक पुराने दोस्त से मिलने किसी गांव में पहुंचे। मोहनदास जी, आप इतने बड़े आदमी हैं, फिर भी हमारी बेटी स्नेहा के साथ आपके बेटे का रिश्ता करना चाहते हैं, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। मेरे बेटे को पैसे उड़ाने की लत लग गई है, वो भी बिना रोजगार किए। अब मैं चाहता हूँ कि किसी गांव की एक भोली भाली लड़की ही उसे सही राह दिखा सकती है। राम नरेश, तुम तो सरस्वती के रिश्तेदार हो, वो मेरे लाइफ में आकर मुझे कहां से कहां तक पहुंचा दी। अब इसी घर से तुम्हारी बेटी स्नेहा अगर मेरे घर जाएगी तो मुझे यकीन है कि मेरा बेटा भी जरूर सुधर जाएगा। स्नेहा गांव में रहने के बावजूद एक पढ़ी लिखी और समझदार लड़की थी। वो अपने माँ पापा के समझाने पर मोहनदास जी के बेटे अद्विक से शादी करने तैयार हो गई और कुछ ही दिनों में दोनों की शादी भी हो गई। ये लीजिए दूध। दूध? एक गांव की लड़की से और क्या उम्मीद की जा सकती है। दूध रहने दो और सुनो, मेरे लिए विस्की का एक पैक बना दो, जाओ। क्या आप ये क्या करने मुझे बोल रहे हैं? क्यों, कुछ गलत बोल दिया क्या? मेरी पत्नी हो, अपनी मर्जी से मुझसे शादी करके इस घर में आई हो, तो अपने पति के इशारे में नाचना भी सीख लो। मैं आपकी पत्नी हूँ, कोई कठपुतली नहीं जो आप मुझे अपने इशारे से नचाना चाहेंगे, और मैं नाचूंगी। जो काम मुझे सही नहीं लगेगा मैं वो हरगिज नहीं करने वाली। अच्छा, गांव के गवार होकर भी बड़ी उसूलों वाली लड़की लग रही हो, फिर इस घर में क्यों आई हो? क्या मकसद है तुम्हारा? हाँ, कितने पैसे हड़पने का प्लान है? ऐसे हड़पने का इरादा होता तो आपके बारे में सुनने के बाद भी आपसे शादी करके यहाँ पे नहीं आती। आपके डैड को मेरे पापा जुबान दे चुके थे, मैं बस उनके फैसलों का इज्जत करना जानती हूँ, इसलिए। ओ, महान बनने का बहुत शौक चढ़ा है, नहीं? मुझसे शादी करके तुम्हें कुछ भी हासिल नहीं होने वाला। यहाँ से लूट के अपने घर की गरीबी हटाने का अच्छा प्लान बनाया है तुम्हारा परिवार, पर मैं ऐसा कुछ भी नहीं होने दूंगा। तुम्हें मेरी पत्नी होने का हक कभी नहीं मिलेगा, कभी नहीं। ये क्या बोल रहे हैं आप? इसमें मेरा क्या दोष है? मैं तो सच्चे मन से आपसे शादी की हूँ, फिर मुझे ये सब। बस करो,
अपनी चिकनी चुपड़ी बातों से मुझे जीतने की कोशिश मत करना, नहीं तो हमेशा दुख ही मिलेगा तुम्हें। इस घर में आ ही गई हो तो दूसरों की तरह बस एक नौकरानी बनकर जीने की आदत डाल लो। इस कमरे में दोबारा आने की कोशिश मत करना, गेट आउट। स्नेहा कभी सपने में भी नहीं सोची थी कि एक इतने अच्छे इंसान का बेटा इतना बदतमीज होगा। अद्विक उसे इस कदर बेइज्जत किया कि वो रोते रोते उस कमरे से बाहर चली आई। पूरी रात वो काउच में अकेले बैठकर बस ये सोच रही थी कि आखिर इस सब में उसकी गलती क्या है, उसके साथ ऐसा बर्ताव क्यों किया जा रहा है। माँ, मुझे तुम्हारे पास आना है, मैं यहाँ पे नहीं रहना चाहती, मुझे बहुत तकलीफ हो रही है। रोते रोते पूरी रात बीत गई, पर किसी को कानों कान खबर नहीं पड़ा कि स्नेहा का सुहाग रात ऐसे बीता है। पापा जी प्रणाम। गुड मॉर्निंग स्नेहा, क्या बात है बेटी, तुम्हारी शक्ल देख के मुझे ऐसे क्यों लग रहा जैसे तुम बहुत रोई हो। नहीं पापा जी, सब ठीक है, बस घर की याद आ रही थी इसीलिए। स्नेहा, ये घर की याद आने का दुख तो नहीं लग रहा, क्या बात है बेटी, क्या अद्विक तुम्हारे साथ बदतमीजी किया है। पापा जी, वो तो मुझे अपनी पत्नी मानने तक तैयार नहीं है, फिर मैं और क्या बोलूंगी उनके बारे में, आप सब कुछ जानबूझकर भी मेरी जिंदगी। नहीं, मैंने तुम्हारी जिंदगी बिगाड़ा नहीं है बेटी, मैं बस एक ऐसी लड़की ढूंढ रहा था जो बहुत उसूलों वाली हो, सही गलत फैसला करने का हिम्मत रखती हो, गलत को गलत बोलने में कभी हिचकिचाती नहीं हो। तुम में वो सारी गुण है जो एक भटके हुए आदमी को सही राह पर ला सकती है। प्लीज बेटी, मेरे बेटे को सही राह दिखा दो, देखना तुम दोनों हमेशा खुश रहोगे। कोशिश करूंगी पापा जी। मुझे तुम पे पूरा यकीन है, तुम सब सही कर दोगी। इधर ससुर जी का स्नेहा पे अटूट विश्वास और उधर पति एक नजर स्नेहा के तरफ देखता तक नहीं। स्नेहा तो जैसे एकदम अकेली पड़ गई थी ससुराल में। फिर धीरे धीरे वो खुद को संभाली और घर के नौकरों से बातचीत करना शुरू कर दी। अब उसे ये पता चल चुका था कि अद्विक का ऐसे बिगड़ने के पीछे क्या कहानी है। मालकिन, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, देखना कुछ ही दिनों में सब ठीक हो जाएगा, छोटे साहब भी आपसे प्यार करने लगेंगे। शादी को 6 महीने बीत चुके थे, फिर भी अद्विक स्नेहा को अपने पास तक आने नहीं दे रहा था। फिर एक दिन, अद्विक ये सब क्या है बेटा, स्नेहा तुम्हारी पत्नी है और तुम उसके साथ रहने के बदले रात रात भर बाहर घूमते फिरते हो। ओ डैड, आपने मुझे फोर्स किया शादी करने के लिए और मैंने कर लिया, अब मुझ पे जबरदस्ती उस गांव की गवार को अपनी पत्नी मानने के लिए प्रेशर मत डालिए। आप उसे लाए हैं इस घर में, अब उसका क्या करना है ये आप ही सोचिए। मुझे फ्री बर्ड बन के जीना है, मैं उसके साथ खुद को नहीं बांध सकता। आई हेट हर, आई डोंट वांट टू सी हर फेस। अद्विक के डैड उसे जितना भी समझाए पर कोई फायदा नहीं हुआ। इसी चिंता में मोहनदास जी की तबीयत भी दिन ब दिन बिगड़ने लगी थी। बहू तो उनकी बहुत सेवा करती थी, पर दिल और दिमाग में जो दुख था उसे वो कैसे निकाल सकती थी भला। कुछ ही दिन में पता चला कि मोहनदास जी नहीं रहे। अद्विक को पापा के मरने का थोड़ा गम तो था, पर उसे इस बात की खुशी भी थी कि उसे अब कोई रोकने टोकने वाला नहीं रहा, वो जी भर के अपने लाइफ को एंजॉय कर सकता है। अब वो पूरी तरह से तैयार हो गया स्नेहा को घर से धक्का मार के निकाल देने को। स्नेहा, स्नेहा। जी क्या हुआ? तुम्हें इस घर पे लाने वाला अब नहीं रहा, फिर तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? जाओ अभी अपना सामान बांधो और निकल जाओ मेरे घर से। निकल जाऊंगी, पर मैं अपने ससुराल छोड़ के क्यों जाऊंगी?
आप मुझे यहाँ से भगा क्यों रहे हैं? ए, ड्रामा बंद कर और चल चल यहाँ से। अद्विक स्नेहा को घसीटते हुए वहां से ले गया और घर के बाहर खड़ा कर दिया। स्नेहा बहुत रोती रही पर अद्विक उसके मुंह पे दरवाजा बंद करके घर के अंदर चला गया। अब आएगा असली मजा, डैड नहीं रहे, स्नेहा को भी निकाल दिया घर से। उफ, सुकून। अद्विक मन ही मन बहुत खुश हो रहा था कि तभी कहानी में एक ट्विस्ट आया। हेलो हेलो अद्विक, मैं मोहनदास जी की लॉयर हूँ। आपका डोरबेल कब से बजा रही हूँ पर कोई खोलता ही नहीं, और आपकी पत्नी स्नेहा जी यहाँ पे बैठ के रो रही है। क्या आप दरवाजा खोल के बाहर आएंगे? मुझे एक इम्पोर्टेंट बात बतानी है आपको। क्या बात है, कौन सी बात करनी है आपको? इस औरत को मैं नहीं पहचानता और ना ही इसे इस घर के अंदर आने दूंगा। आप ऐसे नहीं कर सकते। आपके पिताजी के वसीयत के मुताबिक उनके सारे जमीन जायदाद, बैंक बैलेंस, कंपनी, फैक्ट्रीज पे बस उनके होने वाले पोता पोती का ही हक है, और वो पोता पोती बस आपके पत्नी स्नेहा के साथ ही होना चाहिए, नहीं तो ये सारी प्रॉपर्टी चैरिटी में चली जाएगी। What is this nonsense? Dad ये सब? जी, आपके डैड ये सब क्लियरली लिख के गए हैं। और हाँ, इम्पोर्टेंट बात है कि आपकी पत्नी के साथ ना तो गलत बर्ताव कर सकते हैं और ना ही उन्हें इस घर से निकाल सकते हैं, क्योंकि जब तक आप और स्नेहा जी को कोई बच्चा नहीं हो जाता तब तक स्नेहा जी को पावर ऑफ अटॉर्नी मिलेगा। आप घर से एक रुपया भी अपने मर्जी से नहीं ले सकते, उसके लिए आपको आपकी पत्नी की इजाजत लेनी होगी। आई थिंक इट्स ऑल क्लियर, मैं चलती हूँ। ओह नो, स्नेहा, मेरे डैड को मेरे खिलाफ भड़का के सब अपने नाम करवा ली ना। ठीक है, मैं भी देखता हूँ तू इस घर में कैसे चैन से सांस लेगी। मोहनदास जी के विल के मुताबिक अब अद्विक स्नेहा पे कोई टॉर्चर नहीं कर सकता था और ना ही उसे घर से निकाल सकता था, इसलिए स्नेहा अपने ससुराल में फिर से रहने लगी। अद्विक को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि अपने डैड के किए हुए वसीयत को कैसे बदल पाए, क्योंकि उसे स्नेहा के साथ कोई रिलेशन नहीं बनानी थी। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। स्नेहा, ये ब्लैंक चेक पे साइन करो। ब्लैंक चेक पे साइन क्यों करूंगी मैं? आपको कितने पैसे चाहिए मुझे बोलिए, मैं तिजोरी से निकाल के दे दूंगी। मेरे घर पे रह के मुझे बता रही है क्या करना है? चुपचाप साइन कर, नहीं तो तुझे सच में धक्का मार के यहाँ से निकाल दूंगा। आई डोंट केयर कि मुझे ये प्रॉपर्टी मिलती है या नहीं, पर मैं तुझ जैसी गवाह के साथ हरगिज नहीं रहने वाला। जल्दी साइन कर। स्नेहा अपने पति से क्या ही झगड़ा कर पाती भला, वो जब भी उसे ब्लैंक चेक पे साइन करने बोलता था स्नेहा चुपचाप साइन कर देती थी। डैड के गुजर जाने के बाद अद्विक उनके कंपनी तो संभाल रहा था, लेकिन वहां पे भी वही हाल, हर किसी इम्पोर्टेंट पेपर पे स्नेहा का सिग्नेचर चाहिए था। अद्विक इस सबसे और ज्यादा चिढ़ गया। अद्विक बस करो डार्लिंग, अब कितना पियोगे, चलो उठो अब अपने घर चले जाओ। घर? कैसा घर? जहां पे मेरा अपना बाप मुझे एक रुपया लेने के लिए एक गवार से परमिशन लेने का विल बना दिया हो, वो घर अब मेरा नहीं रहा रोजी। मुझे नहीं जाना वहां पे। ओ कम ऑन बेबी, मैं जो बोल रही हूँ तुम ध्यान से सुनो, खुद को ऐसे तकलीफ दोगे तो तुम्हारी वो गवार पत्नी बहुत खुश हो जाएगी, क्योंकि धीरे धीरे सारी प्रॉपर्टी उसके हाथों आ जाएंगे। इसीलिए मेरा कहा मानो और कुछ ऐसा करो कि उसे तकलीफ हो, वो रात दिन रोए और दुख बर्दाश्त ना कर पाकर एक दिन सुसाइड कर ले, नहीं तो हमेशा के लिए अपने गांव चली जाए, फिर तो सब तुम्हारा है ना। डार्लिंग, मैं उस घर में कैसे जाऊंगा? तुम अच्छी तरह से जानती हो मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकता, और वहां पे तुम कैसे आओगी बताओ?
ओह अद्वेक, तुम चिंता मत करो, मैं अपने मम्मी पापा के साथ वहां पे रहने आऊंगी ताकि कोई मुझ पे उंगली ना उठा सके। फिर हम दोनों मिलके उस नेहा को ऐसे टॉर्चर करेंगे कि वो खुद तुम्हारे नाम सब कुछ लिख देगी। अद्वेक और रोजी दोनों एक दूसरे से प्यार करती थी। रोजी अकेली नहीं, उसके मम्मी पापा भी बेटी के साथ इस सब में शामिल थे, क्योंकि उनके रोजगार का जरिया रोजी ही तो थी। अगले दिन अद्विक रोजी और उसके पेरेंट्स को लेकर अपने बंगले में पहुंचा। डार्लिंग, सबसे पहले मुझे हमारा बेडरूम देखना है, चलो ना। हाँ हाँ चलो, पता है रोजी तुम्हें कब से इस घर में लाने को सोच रहा था, आज फाइनली मैं बहुत खुश हूँ। आई लव यू जानू। कितना मुलायम सोफा है, क्यों कामिनी? हाँ जी, मैं तो कहती हूँ जब तक कोई नया खानदानी बकरा ना मिल जाए तब तक यहीं पर अपना डेरा जमा लेते हैं। 5-6 सालों तक इससे लूटेंगे, फिर भी मुझे लगता है यहाँ से कुछ भी खाली नहीं होने वाला। सही कहा तुमने, मैंने अद्विक को जितना रईस सोचा था वो तो उससे भी कई गुना ज्यादा निकला। रोजी को समझाओ, उसे और ज्यादा प्यार दे, उसे हमेशा खुश रखे। हाँ, यह तो मैं उसे समझा ही दूंगी। कौन है आप लोग, मैं आपको पहचान नहीं पाई। लगता है तुम शायद स्नेहा हो। ओ, तो तू है स्नेहा, जा जा 2 कप मसाला चाय बना के ले आ। पर आप हैं कौन? मेरे होने वाले सास ससुर। सास ससुर अद्विक? और हाँ, ये है मेरी जान रोजी, जिससे मैं 6 महीनों से प्यार कर रहा हूँ। आज से ये सब यहीं पर रहेंगे। अद्विक, ये सब क्या है, तुम इतना गलत काम कैसे कर सकते हो? मेरे खिलाफ मेरे डैड को भड़का के मेरी प्रॉपर्टी तू अपने नाम करवा सकती है, और गलत मैं कर रहा हूँ। हाँ सुन, तुझे यहाँ पे रहना है तो एक नौकरानी बन के रह, नहीं तो अपने गांव चली जा। डार्लिंग, मुझे तुम्हारा स्विमिंग पूल देखना है, चलो ना एक बबल बाथ लेते हैं। ओह श्योर डार्लिंग, अभी चलते हैं। पति एक नजर स्नेहा को देखता तक नहीं था। इसका दुख कुछ कम था जो अद्विक अब एक नई लड़की को रखेल बना के घर पे ले आया है। स्नेहा दिन रात बस रोती थी, उसको ऐसे रोते हुए देख नौकर नौकरानी की आंखों में भी आंसू आ जाते थे, पर अद्विक को कुछ फर्क नहीं पड़ता था। हे प्रभु, मेरे साथ ऐसे क्यों कर रहे हो, मैं अब जिंदा रहना नहीं चाहती, किस प्रॉपर्टी के लिए इतना सब बर्दाश्त करूंगी मैं, मेरे अपने बच्चे तो कभी होने से रहे, फिर इतना सब बर्दाश्त करके मुझे क्या मिलेगा? मालकिन, छोटी मुंह बड़ी बात, पर अब आपको हिम्मत दिखानी होगी। हाँ, बड़े मालिक अच्छी तरह से जानते थे कि आप सब सही कर देंगी, अब आप ऐसे रोएंगी तो उनके आत्मा को ठेस पहुंचेगा। तो मैं क्या करूं गीता, ये सब तमाशा चुपचाप देखती रहूं, बर्दाश्त करती रहूं? नहीं, उनको उल्टा बोलना शुरू कर दो। आपके पास आपका पति नहीं है, पर पति की सारी जरूरतों को आपका सिग्नेचर ही पूरा कर सकता है, इसीलिए सबको अपने कंट्रोल में लाने की कोशिश कीजिए। वो आपको नचाना चाहते हैं, पर आप उनको नचाइए। वो आपको भगाना चाहते हैं इस घर से, आप उन्हें भगा दीजिए। और मालकिन, मेरा मन कहता है एक दिन सब ठीक हो जाएगा, देखना आप। रोजी बेटा, तू अभी तक तैयार नहीं हुई? अरे जा जल्दी कर, नहीं तो हमें देर हो जाएगी। मम्मी, एक्चुअली रोजी तुम्हें कहीं जाना है? हाँ बेटा, आज हमारे एक रिश्तेदार की यहाँ शादी है, हमें तो जाना ही होगा। ठीक है रोजी, तुम तैयार हो जाओ
और हाँ, आप सब हमारा किसी एक गाड़ी ले जाइए, ड्राइवर तो होगा ही। वो सब तो ठीक है बेटा, पर रोजी बोल रही है शादी में नहीं जाएगी, क्योंकि उसके पास अच्छे कपड़े और गहने हैं ही नहीं। सारे गहने तो हमारे घर पे रह गए, अब क्या करेगी वो। मम्मी छोड़ो ना, जाने दो, अब मैं गहने कहाँ से लाऊंगी यहाँ पे। अरे बस इतनी सी बात, मेरी माँ की अलमीरा में कितने सारे गहने पड़े हैं, कोई भी पसंद आ जाए तो पहन लो। चलो मैं दिलवाता हूँ तुम्हें। वाओ, इतने सारे गहने, ओ माय गॉड, मैं तो एकदम एंजल दिखूंगी। थैंक यू अद्विक। बंद करो ये अलमीरा, ये मेरे सासू माँ के गहने हैं, किसी बाजारू रखेल के शौक के लिए नहीं है। हाउ डेयर यू स्नेहा। चुपचाप अलमीरा बंद करो, नहीं तो मैं पुलिस और साथ में लॉयर को भी बुलाऊंगी। अद्विक। शट अप स्नेहा, तमाशा बंद करो और चुपचाप चले जाओ यहाँ से। यू शट अप अद्विक, इस बाजारू रखेल को तुम्हारे बेडरूम तक ही परमिशन है, उसके अलावा ये हमारी पुश्तैनी जगह पे कहीं भी दिख जाए तो इसकी खैर नहीं। स्नेहा अपने कमर से चाबी का गुत्था निकाली और अलमीरा लॉक करके वहां से चली गई। अद्विक, तुम्हारा तो इस घर में एकदम ही नहीं चलता। स्नेहा। अब स्नेहा बंगले के हर जगह पे कड़ी नजर रखने लगी थी और जहां कहीं भी रोजी दिख जाए उसे बहुत कुछ सुना के वहां से तुरंत ही भगा देती थी। ये सब देख के अद्विक गुस्से से एकदम लाल हो जाता था, पर वो करता भी तो क्या भला। उनके लॉयर स्ट्रिक्टली जो बोल गई थी कि स्नेहा को वो कुछ भी नहीं बोल सकता। ऐसे ही एक हफ्ता बीत गया। फिर एक दिन सुबह। अच्छा तो ये सीन है यहाँ पे। सीन चाहे जो भी हो, आपके पास तो कोई ना कोई तोड़ होना ही चाहिए, इसीलिए तो हम इतने रुपए खर्च करके आपको चुने हैं। एक काम किया जा सकता है अद्विक, आपके फादर के वसीयत के मुताबिक इस सारे प्रॉपर्टी की मालिक आपका होने वाला बच्चा ही होगा, इसीलिए आपको एक बात ध्यान रहे कि आप हमेशा स्नेहा से दूरी बनाए रखें, उसके नजदीक भी मत जाइए। और रोजी, तुम और तुम्हारे मम्मी पापा मिलके कुछ ऐसा करो कि जैसे सबको लगे स्नेहा धीरे धीरे पागल होते जा रही है, उसकी दिमाग की हालत ठीक नहीं है। लो ये बात, ये तो मेरा बाएं हाथ का खेल है, उसके बाद ये प्रॉपर्टी हमारी कैसे होगी, मेरा मतलब है अद्विक की कैसे होगी, ये समझाइए। देखिए ये एक ट्रैप है, बस एक बार वो कोर्ट में पागल साबित हो जाए तो प्रॉपर्टी लीगली अद्विक के हाथों आ जाएगी। स्नेहा को पागल करार देके उसे असाइलम में भेज दो, कुछ दिन वहां से ट्रीटमेंट लेकर आएगी तो उसका दिमागी हालत वैसे ही थोड़ा बिगड़ चुका होगा, फिर सही वक्त देख के उसको रास्ते से हटा दो, फिर प्रॉपर्टी पूरी तरह से अद्विक की हो जाएगी। हाँ, ये हुई ना बात। स्नेहा अब तू पागल बनने तैयार हो जा, तुझे तो मैं सच में पागल बना के छोड़ूंगी। हैं? अच्छा तो ये बात ठीक है, तू डाल डाल तो मैं पात पात। गीता, तुम ये सब सच बोल रही हो? झूठ बोलकर मुझे क्या मिलेगा मालकिन, मैं तो बस इतना चाहती हूँ कि जिस घर का नमक खाई हूँ वो घर हमेशा खुशहाली से भरा रहे। तो मैं अब क्या करूँगी? मैंने हरिया से बात कर लिया है, वो अभी आ ही रहा होगा, आपको मैं हमारा प्लान समझा दूंगी, आप ठीक वैसे ही करते जाना जैसे मैं आपको समझाती हूँ, फिर आएगा खेल में असली मजा। क्या बना है आज डिनर में? आपको क्या चाहिए मालकिन, बोलिए ना, हम वही बना देंगे। चिकन लॉलीपॉप बना दो मेरे लिए, और हाँ साथ में ग्रीन सलाद भी, क्योंकि मैं बहुत फिगर कंसियस हूँ ना, इसीलिए। मैडम, हम आपके लिए एकदम सुपर टेस्टी खाना बना देंगे,
आप टेंशन फ्री रहिए। गीता, देखा तूने, ये मैडम कितनी अच्छी है, हमारे साथ दिल खोल के बात करती हैं, पर रहती हैं कहाँ? गेस्ट रूम में। सही कहा तूने हरिया, स्नेहा मैडम इतनी खड़ूस है, हर बात पे हमें भला बुरा सुनाती रहती है, मन करता है छोटे मालिक उन्हें घर से धक्का मार के निकाल दे। हैं, छोटे मालिक ऐसा क्यों करेंगे भला, वो बस ऊपर से चिढ़ने की एक्टिंग करते हैं स्नेहा मैडम पे, असल में तो वो उनसे प्यार करते हैं, प्यार। नहीं तो देख, रोजी मैडम और उनके माँ पापा को कैसे गेस्ट रूम में ठहरने को बोले हैं, और स्नेहा मैडम का कमरा तो किसी रानी के महल से कम नहीं है, छोटे मालिक चाहते तो उन्हें वो कमरा दिला सकते थे ना, लेकिन नहीं, वो तो ऐसा नहीं किए। हाँ, एकदम सही कहा तूने, वो शायद स्नेहा मैडम से प्यार करते हैं। देखो अद्विक, तुम्हारे नाम पे यहाँ पे एक फूटी कौड़ी भी नहीं है, फिर भी हम तुम्हें अपनी बेटी दे दिए, हमारी रोजी तुम्हारा कितना ख्याल रखती है, पर तुम हो कि हमारे बारे में कुछ सोचते ही नहीं हो। आपको क्या चाहिए, साफ साफ बोलिए, इतना घुमा फिरा के सुनने की आदत नहीं है मुझे। रोजी के पापा और मैं वो स्नेहा की कमरे में रहना चाहते हैं, यहाँ गेस्ट रूम में कब तक एडजस्ट करेंगे हम लोग? बस इतनी सी बात तो ठीक है, मैं स्नेहा को उस कमरे से अभी निकाल देता हूँ। ठीक है अद्विक, अगर तुम्हारी खुशी इसी में है तो मैं ये कमरा छोड़ के गेस्ट रूम में चली जाऊंगी। उसी दिन स्नेहा अपना कमरा रोजी के मम्मी पापा को देकर खुद गेस्ट रूम में रहने चली गई, और गेस्ट रूम अद्विक के रूम के एकदम नजदीक था। रोजी, तू तैयार है ना? चल, हम अभी निकल जाएंगे। हाँ मम्मी, चलो। मैं अद्विक से 1,00,000 रुपए ले ली हूँ, आज पूरी रात बाहर घूम फिर के मस्ती करेंगे। हाँ हाँ, चलो चलो, अब देर मत करो, मैंने अद्विक को बोल दिया है कि हमारे रिश्तेदार के यहाँ किसी की डेथ हो गई है। अच्छा किया पापा, एटलीस्ट एक रात इस नशेड़ी अद्विक से छुटकारा तो मिलेगा। रोजी उसके पेरेंट्स के साथ बाहर मस्ती करने निकल गई। अद्विक घर पे अकेला था, अकेला बैठे बैठे करता तो क्या करता, इसीलिए साहेब जी एक के बाद एक विस्की का पेग लगाना शुरू कर चुके थे। मालकिन, अब अच्छे से तैयार हो जाइए, और रोजी के कपड़े बेड पे रख दिया है मैंने, उसे पहन लेना। रात के 1 बजे बाहर काफी जोर से बारिश हो रही, चारों तरफ अंधेरा था। कौन है? छोटे मालिक, मैं गीता हूँ, आपको कुछ चाहिए? नहीं, रोजी आ गई है क्या? हाँ हाँ मालिक, रोजी मैडम तो कमरे में है, कब से आपका इंतजार कर रही है। रोजी डार्लिंग। तभी हरिया प्लान के मुताबिक घर का मेन स्विच ऑफ कर दिया, और अद्विक को नशे की हालत में कहां याद रहता कि रोजी और स्नेहा का कमरा बदल चुका है। वो सीधा स्नेहा के पास जा पहुंचा। रोजी। हाँ डार्लिंग, मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। तुम्हारे मम्मी पापा? ओह डार्लिंग, मम्मी पापा को मैं इस रूम में क्यों रहने देती, वो तो दूसरे कमरे में सो गए हैं, तुम आओ ना। आखिर में गीता का प्लान काम कर गया। रोजी, स्नेहा, मैं स्नेहा के पास? ओ गॉड, इन दोनों का कमरा तो बदल चुका था, मुझे याद कैसे नहीं रहा, अब यहां से चले जाना चाहिए।
अद्विक, तुम इस कमरे से बाहर निकल रहे हो? कहीं तुम कल रात को? रोजी, तुम लोग आ गए? बेटा, कल रात को इतनी बारिश हो रही थी कि हमें कोई कैब, ऑटो, टैक्सी कुछ भी नहीं मिला। क्यों कामिनी, बोलो। अरे छोड़ो वो सब, बहुत जोर से भूख लगी है, चलो कुछ खाते हैं। हाँ हाँ चलिए, मैं अभी आया। पर अद्विक, तुम रोजी बेटा जल्दी आओ, तुम्हें भूख लगी होगी। मालकिन, देखा ना आपने, मेरा प्लान हमेशा काम करता है। अब भगवान करे आप प्रेग्नेंट हो जाए, फिर आपको यहाँ से कोई नहीं भगा सकता, कोई भी नहीं। ऐसे ही 2 दिन बीत गए। अद्विक को अच्छे से ये याद था कि वो अपनी पत्नी यानी कि स्नेहा से एक बार संबंध बना चुका है, पर वो इसके बारे में स्नेहा के साथ बात करने को अवॉइड कर रहा था। इधर रोजी और उसके पेरेंट्स का दिमाग स्नेहा को कैसे पागल साबित करें, इसी प्लानिंग में जुटा हुआ था। शुरुआत थोड़ा सॉफ्ट रखते हैं। पापा, आप कहीं से भी एक पालतू सांप ले आइए, फिर उसके कमरे में छोड़ दीजिए, और जब वो जोर से चिल्लाएगी तब हम सब मिलके कमरे के अंदर घुस जाएंगे, और आप चुपचाप वो सांप को बाहर ले आना। ये काम रात को ही होना चाहिए ताकि कोई नौकर आसपास ही ना हो। हाँ, हर बार इससे कुछ बड़ा करते रहेंगे ताकि हमारी बातें सुन सुन के उसे भी ये लगने लगे कि शायद वो सच में पागल हो रही है। प्लान के मुताबिक रोजी के पापा कहीं से एक पालतू सांप खरीद लाए और रात को स्नेहा के सोने से पहले उसके बेड के पास छोड़ दिए। कुछ देर बाद स्नेहा अपना काम खत्म करके कमरे में गई। अब भी चिल्लाएगी देखना। रोजी, तुम तुरंत ही अंदर जाकर उसका नजर भटकाना ताकि पापा सांप को बाहर ले आए। सांप? यहाँ सेकंड फ्लोर पे सांप कैसे आया? जरूर इन्हीं लोगों का ही कोई प्लान होगा। सांप, सांप! तभी स्नेहा दरवाजे के पास खड़े होकर जोर से चिल्लाई। आवाज सुनते ही सबसे पहले रोजी कमरे के अंदर चली गई। सांप? क्या बकवास कर रही हो, कहाँ है सांप? मुझे तो यहाँ पे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। रोजी के मुंह से सवाल खत्म नहीं हुए थे, स्नेहा धीरे से कमरे के बाहर निकल आई और रोजी को बाहर से दरवाजा बंद कर दी। अब रोजी को सांप से डर लगने लगा। मम्मी, पापा, अद्विक, बचाओ मुझे, इस कमरे में सांप है, प्लीज दरवाजा खोलो। ए स्नेहा, दरवाजा क्यों बंद की है, खोल इसे। खबरदार, जो मेरे कमरे का दरवाजा किसी ने भी खोला तो। स्नेहा, रोजी कमरे के अंदर चिल्ला रही है, तुम्हें समझ नहीं आ रहा? हाँ, बिल्कुल समझ आ रहा है। सांप का सेकंड फ्लोर में मेरे कमरे में होना, रोजी और आप सबका यहाँ पे मेरे चिल्लाने का इंतजार करते रहना, ये सब समझ आ रहा है मुझे। ए, दरवाजा खोल, मेरी बेटी अंदर डर रही है। दूसरों की बेटी को डराने में तो बहुत मजा आता है आपको, अब थोड़ी देर तक खुद की बेटी की चीख सुन लीजिए। स्नेहा, प्लीज डोर खोलो, मुझे बहुत डर लग रहा है, स्नेहा प्लीज। रोजी के बार बार गिड़गिड़ाने पर स्नेहा दरवाजा खोल दी। तुम्हारा प्लान तो उल्टा पड़ गया तुम पे, अब क्या करोगी, मुझे कैसे पागल साबित करोगी? वैसे मुझे तो बहुत मजा आया सच में, तुझे मैं देख लूंगी। अद्विक, इन लोगों का मतलब मुझे अच्छी तरह से समझ आता है, पर तुम तो मेरे पति हो ना, अग्नि को साक्षी मान के हम दोनों ने शादी की है, और तुम इन बाहर के लोगों के साथ मिलके मेरे साथ ये घटिया खेल खेल रहे हो। कभी नहीं सोची थी कि अद्विक सिंघानिया इतने छोटे दिमाग का होगा। स्नेहा की बातें सुनके
अद्विक को आज बहुत बुरा लगा, पर वो अपने कमरे में जाते ही रोजी उसे कस के पकड़ ली। डार्लिंग, मुझे कभी भी अकेला मत छोड़ना, मैं तुम्हारे बगैर नहीं जी सकती। आई लव यू अद्विक। इस बार कुछ हटके प्लान कर रहे थे रोजी के मम्मी पापा, इसीलिए कुछ दिनों तक चुपचाप रहना ही उन्हें सही लगा, ताकि स्नेहा के दिमाग से पुरानी बातें निकल जाए और वो अगले प्लान में ज्यादा होशियारी ना दिखा सके। अद्विक, मुझे कुछ रुपए चाहिए, शॉपिंग करनी थी मुझे। हाँ हाँ बोलो ना, कितने रुपए चाहिए? अभी देता हूँ। 5 लाख। 5 लाख? तुम्हें क्या शॉपिंग करनी है रोजी? मुझे कुछ ब्रांडेड जैकेट्स लेनी है, और हाँ साथ में एक गोल्ड नेकलेस भी। बाहर रिश्तेदार के यहाँ जाते टाइम आर्टिफिशियल ज्वेलरी पहनकर जाना अच्छा नहीं लगता। पर तुम तो अभी 3 दिन पहले 1 लाख रुपए ली थी। ओ अच्छा, अब तुम मुझे दिए हुए पैसों का हिसाब करने लगे हो। ठीक है, कोई बात नहीं, मैं अपने मम्मी पापा से इस बारे में बात कर लूंगी और वो दोनों कोई ना कोई स्टेप जरूर लेंगे। अरे सुनो तो सही, बात ये है कि जब तक मेरे नाम पे सारी प्रॉपर्टी नहीं हो जाती, मुझे हर बार स्नेहा से पैसे मांगना पड़ेगा, जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है रोजी। तो मैं क्या करूँ, मुझे बस अपने शौक पूरे करने हैं, बाकी तो मेरे मम्मी पापा और मैं खुद तुम्हें उस स्नेहा से छुटकारा दिलाने पूरी कोशिश कर रहे हैं, और अब ज्यादा क्या करेंगे हम। अच्छा ठीक है, गुस्सा मत करो, मैं स्नेहा से पैसे लाके तुम्हें देता हूँ। ऐसे बस आज नहीं, रोजी हर हफ्ते बहुत सारे पैसे लेकर अपने मम्मी पापा के साथ बाहर रात रात भर घूमने चली जाती थी, और तब अद्विक घर पे अकेला रहता था, और अद्विक के अकेले होने का फायदा उठाने स्नेहा कोई कसर नहीं छोड़ती थी। अद्विक तो दारू के नशे में कंट्रोल में नहीं होता था, पर उसे अच्छी तरह से पता था कि स्नेहा और उसके बीच की रिलेशन दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, पर इस सबसे अनजान रोजी। मालकिन, मुझे लगता है भगवान ने आपकी सुन ली। मम्मी, ये स्नेहा उल्टी क्यों कर रही है, और उल्टी करके इतना खुश दिख रही है? मुझे तो सब गड़बड़ लग रहा है रोजी। मालकिन, अब आप आराम कीजिए, अभी 3 महीने तक घर का कोई काम धंधा करने की जरूरत नहीं, और हाँ खास करके किसी भी बात का टेंशन मत लेना। ठीक है मैडम, आप जैसे कहेंगी मैं वैसे ही करूंगी। और एक खास बात का ध्यान रहे, छोटे मालिक की रखेल या फिर उसके वो भीखमंगे माँ बाप आपको कुछ भी खाने को दें, तो वो खाना तुरंत ही फेंक देना। वो बेटी बेच के खाने वाले दोनों माँ बाप और उनकी बच्चलन बेटी बहुत कुछ तरीका ढूंढेंगे आपको रास्ते से हटाने के लिए, पर आप हमेशा मेरे पीछे खड़े रहना, मैं भी देखती हूँ मुझे हरा के आप तक आखिर कौन पहुँचता है। गीता, पता नहीं मैंने कौन सा पुण्य किया था जो मुझे तुम जैसी एक बहन मिली है। मम्मी, ये तो हद हो गई, अब स्नेहा माँ बनने जा रही है, अद्विक और स्नेहा का करीब होना भी ऑलमोस्ट इजी हो गया, हमारा तो यहाँ से पत्ता कट जाएगा। नहीं नहीं, ऐसे कैसे कटने दूंगी मैं पत्ता, अद्विक की जितनी प्रॉपर्टी है हम तीनों आराम से 5-6 सालों तक इसे लूटते रहेंगे, यहाँ से जाने का तो सवाल ही नहीं उठता। पर स्नेहा के बच्चे को हम मारेंगे कैसे, वो नौकरानी तो उस कमरे तक और किसी को घुसने भी नहीं देगी, देखा नहीं कैसे उस हरिया को बुला के रूम के बाहर तैनात लगाने ऑर्डर दी है। बच्चे को मारने की क्या जरूरत है, बच्चा तो भगवान का रूप होता है, उसको मार के हम पापी क्यों बने, बच्चे की माँ का ही काम तमाम कर देते हैं, उसके पेट में बच्चा है तो वो उसकी परेशानी, हमें क्या। पर वो कमरे से निकलती ही कहाँ है जो हम उसका कुछ बिगाड़ेंगे।
मेरे दिमाग में एक अच्छा प्लान है, सुनो। अद्विक, थोड़ी देर के लिए मेरे कमरे में आओगे? मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। हाँ ठीक है, चलो मैं अभी आता हूँ। रोजी, तू बस यहाँ पे बैठ के नेल पेंट लगाती रहे। अद्विक के साथ स्नेहा अपने कमरे में छुप के कुछ बात कर रही है। जा जा, अद्विक को वहां से ले आ, नहीं तो वो उसे बहला फुसला लेगी। हाँ ठीक है, मैं अभी जाती हूँ मम्मी। मुझे पता है तुम माँ बनने वाली हो। अगर पता है तो ये सब बंद क्यों नहीं कर देते? ये रोजी और उसके माँ बाप को यहाँ पे रख के उनके पीछे हर हफ्ते 5-7 लाख उड़ाना तुम्हें सही लगता है? तुम्हारे डैड बहुत मुश्किल से ये बिजनेस खड़ा किए थे। तुम उनके पैसों को ऐसे लोगों के पीछे मत उड़ाओ अद्विक, प्लीज। डार्लिंग, क्या हुआ, तुम यहाँ पे क्यों आए हो? रोजी, हम दोनों बात कर रहे हैं, जाओ यहाँ से। किसका बच्चा अपने पेट में लाकर अब मेरे अद्विक को फंसाना चाहती हो? हाँ बोलो ना अद्विक, चुप क्यों हो? क्या ये तुम्हारा बच्चा है? तुम गांव की इस गवार के साथ रिलेशन बनाए हो? नहीं, ये मेरा बच्चा नहीं है। अद्विक, चिल्लाने से नाजायज जायज नहीं बन जाएगा। ये बच्चा अद्विक का नहीं है, उन्होंने तो साफ साफ मना कर दिया। अब जा उस हरिया को कन्विंस कर, शायद वो मान जाए कि ये उसका बच्चा है। रोजी, स्नेहा रोजी को जोर से एक थप्पड़ लगाई। अद्विक, स्नेहा तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई रोजी पे हाथ उठाने की? तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम्हारे सामने तुम्हारी पत्नी की इज्जत उछाली जा रही है और तुम चुपचाप खड़े होकर यहाँ पे तमाशा देख रहे हो? रोजी चलो यहाँ से। अद्विक में हिम्मत नहीं था ये सच बर्दाश्त करने की कि स्नेहा के पेट में उसका बच्चा पल रहा है, और इसी बात का फायदा उठा रही थी रोजी। अब रोजी पूरी तरह से अद्विक को अपने प्यार के जाल में बांध के रखी थी। ना तो उससे ज्यादा पैसे मांगती थी और ना ही रात रात भर बाहर घूमने जाती थी। अब स्नेहा कितनी भी कोशिश कर ले पर अद्विक के साथ बात करना, उसे समझाना बहुत मुश्किल हो गया था। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। फिर एक सुबह छोटे मालिक, मालकिन की तबीयत कुछ ठीक नहीं है और इस हालत में उनका बाहर जाना बिल्कुल सही नहीं होगा। फिर भी वो मेरी सुनती कहाँ है, मंदिर जाने को मन बना ली है। मुझे ये सब क्यों बता रही हो? इसीलिए बता रही हूँ कि आप उन्हें एक बार मना कर देंगे कि वो मंदिर ना जाएं, तो वो शायद आपकी सुन ले। वो मेरी बात क्यों सुनेगी? क्योंकि वो आपसे बहुत प्यार करती। आज आपका जन्मदिन है ना, और बड़े मालकिन का श्राद्ध भी, इसीलिए वो मंदिर में पूजा देने जा रही है। गीता, मैं मंदिर जा रही हूँ, वापस आकर ब्रेकफास्ट करूंगी, ठीक है? स्नेहा, गीता बोल रही है तुम्हारा इस हालत में मंदिर तक जाना सही नहीं है, इसीलिए आज मत जाओ, फिर कभी चले जाना। आज मेरे पति का बर्थडे और मेरे सासू माँ का श्राद्ध भी है, इसीलिए मैं हर हाल में मंदिर जाकर पूजा करूंगी। वैसे माँ बाप का श्राद्ध तो बेटों को देना चाहिए, पर आपसे ऐसी उम्मीद कहाँ से रखूं मैं, इसीलिए मुझे ही जाना होगा। अच्छा ठीक है, मैं भी चलता हूँ तुम्हारे साथ। अजी सुन रहे हैं, यहाँ पे बैठे बैठे टाइम पास करते रहिए बस। वो स्नेहा आज मंदिर जाने को घर से निकल चुकी है, पर आपने तो कुछ किया ही नहीं। ओहो कामिनी, प्लान तो सुबह से मैंने सेट कर दिया है। जब से मुझे हरिया से पता चला कि स्नेहा आज मंदिर जाने वाली है। अच्छा हाँ,
अब झूठ मूठ के आंसू गिराने को तैयार हो जाओ सब। वाह पापा, आप तो सच में बहुत स्मार्ट निकले। हाँ हाँ बस कर, अब तू यहाँ पे बैठे बैठे कब तक मेकअप करती रहेगी। जा, अद्विक अकेले बैठा होगा बाहर, उसे बातचीत में बिजी रख। जब रोजी अच्छे से सज सबर के तैयार होकर नीचे अद्विक से मिलने आई, तब तक तो अद्विक स्नेहा के साथ मंदिर जाने निकल चुका था। आ गई रखेल मैडम। क्या हुआ मैडम, किसी का ढूंढ रही है? नॉनसेंस। अद्विक, आज तुम्हारा बर्थडे है, एक बात सच बताना, क्या तुम बिल्कुल भी खुश नहीं हो कि हमारा बच्चा होने वाला है? मुझे पता होता तुम यही सब सवाल पूछोगी तो मैं कभी भी तुम्हारे साथ नहीं आता। सच्चाई से मत भागो, आंख बंद करके सच्चे मन से अपने दिल से सोचो, तुम्हें सब समझ आ जाएगा। कौन सी चीज तुम्हें सच में खुशी देगी और कौन सी चीज तुम्हें बर्बाद करके छोड़ेगी। अभी भी देर नहीं हुई अद्विक, रोजी जैसी तितलियां कभी भी एक फूल में नहीं टिकते, अभी से होशियार हो जाओ। स्टॉप इट स्नेहा, आई डोंट वांट टू डिस्कस एनीथिंग अबाउट इट। और हाँ, रोजी मुझसे बहुत प्यार करती है। प्यार या पैसा, ओके विल सी। मम्मी, अद्विक को मैं हर जगह ढूंढ ली पर वो ना तो बाहर है और ना घर पे भी कहीं है। ये क्या बोल रही है, कहीं वो स्नेहा के साथ मंदिर तो नहीं चला गया? कामिनी, अगर तुम्हारा डाउट सही है और अद्विक स्नेहा के साथ चला गया तो मानो आज दोनों की अर्थी उठेगी। पापा, कैसे भी करके अद्विक को बचाओ, नहीं तो मेरा करोड़पति बनने का सपना सपना ही रह जाएगा। अब हम कुछ भी नहीं कर सकते बेटी, सब उसके नसीब पे छोड़ दो। अरे उसे कॉल करके बोल दो कि गाड़ी से कूद जाए और स्नेहा को मरने छोड़ दे। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है कामिनी, अद्विक स्नेहा को पागल साबित करके इस घर से निकाल देने तक ही राजी था, उसे जान से मारने को वो साफ साफ मना किया था हमें। अगर उसे अभी पता चलेगा कि स्नेहा के गाड़ी का ब्रेक फेल मैंने किया है तो पता नहीं अद्विक जिंदा रह गया तो हम सबकी जान ना ले ले। तो क्या हम अद्विक को ऐसे ही मरने छोड़ दें? हाँ, अगर उसे अपनी पत्नी के साथ मरना ही है तो हम क्या करें। तुम दोनों सामान रेडी रखो, खबर सुनते ही यहाँ से तुरंत भाग जाएंगे। हाँ रोजी, पापा एकदम सही बोल रहे हैं, हमारा यहाँ से भाग जाना ही सही रहेगा। बाकी अद्विक को गोली मारो, तुम्हारा वो पुराना आशिक क्या नाम था, हाँ दिनेश, वो दुबई से वापस इंडिया आ गया है और इंस्टाग्राम पे उसका लेटेस्ट पोस्ट देखियो, लैम्बोर्गिनी चलाता है, लैम्बोर्गिनी, कितने बड़े बड़े होटलों में ऐश करता है। हाँ मम्मी, मैं तो उसका सारा पोस्ट बराबर से चेक करती हूँ। अच्छा तो मैं दिनेश से थोड़ी देर बात करके देखती हूँ उसका क्या हाल चाल है। हाँ हाँ जल्दी कर, हमारा नया बकरा तो वही बनेगा ना, उसे फंसाना शुरू कर दे अब। अद्विक क्या हुआ, तुम इतना परेशान होकर क्यों गाड़ी चला रहे हो? स्नेहा, लगता है गाड़ी का ब्रेक फेल हो गया है, मैं कब से ट्राई कर रहा हूँ पर कंट्रोल में नहीं आ रहा। ये कैसे पॉसिबल है, कल रात को तो मैं ड्राइवर के साथ क्लिनिक गई थी, तब तक तो सब ठीक था, फिर अब गाड़ी का ब्रेक फेल। स्नेहा देखो, एक ही रास्ता बचा है, मैं काम करता हूँ, गाड़ी को फर्स्ट गियर में लाके क्लच छोड़ दूंगा, जरूरत पड़े तो पेड़ के साथ धीरे से टक्कर मारना भी पड़ सकता है, तुम खुद को संभाल के रखो प्लीज। अद्विक इतना कच्चा खिलाड़ी थोड़ी था, वो तो सालों से गाड़ी चलाते आ रहा था, इसीलिए ऐसे सिचुएशन में क्या करना चाहिए उसे अच्छी तरह से समझ था। गाड़ी को लेकर वो एक बड़े से पेड़ पे टक्कर मारा और दोनों पति पत्नी सही सलामत गाड़ी से बाहर निकल गए। स्नेहा तुम ठीक तो हो ना? हाँ अद्विक मैं ठीक हूँ,
एंड थैंक यू। तुम नहीं होते तो पता नहीं आज मेरे साथ क्या होता, और मेरा बच्चा, हे भगवान। स्नेहा, पहले ये सोचो कि गाड़ी का ब्रेक फेल कैसे हुआ। आज तक कभी भी ऐसा नहीं हुआ है। हमारे ड्राइवर्स बहुत रेस्पॉन्सिबल हैं। जब भी हमें कहीं जाना होता है वो तो गाड़ी को अच्छे से चेक करते हैं। फिर ये सब कैसे हो सकता है? अद्विक, गार्डन के बाहर के तरफ जो सीसीटीवी कैमरा है उससे देखते हैं, शायद उससे कुछ पता चले। पर मेरा एक रिक्वेस्ट है कि तुम इसके बारे में किसी को कुछ भी मत बताना। अगर सच में इसके पीछे किसी का हाथ होगा तो वो होशियार हो जाएगा। ठीक है, चलो अब टैक्सी में ही मंदिर चले जाते हैं। कुछ ही देर में दोनों को एक टैक्सी मिल गई। मंदिर में पूजा खत्म हो जाने के बाद दोनों घर वापस आ गए। गीता, गीता, एक ग्लास पानी लाओ। साहब, ये लीजिए। नहीं, मुझे नहीं, मालकिन को दो। मालकिन, क्या बात है, आप इतना परेशान क्यों दिख रही? सब ठीक है ना? हाँ हाँ गीता, सब ठीक है, मैं बस थोड़ा सा थक गई हूँ। अच्छा, तो चलिए मेरे साथ और आराम कीजिए अपने कमरे में, मैं अभी नाश्ता लगाती हूँ वहीं पर। मालकिन, आप दोनों मंदिर होकर आए हैं, देखना अब सब ठीक हो जाएगा। आपसे एक भी काम सही से नहीं हो पाता। अद्विक और स्नेहा सही सलामत घर वापस आकर एक साथ बैठे हैं। क्या? मैंने तो... हाँ हाँ बस करो, अब मुझे समझाने की जरूरत नहीं, खुद से सवाल जवाब करते रहना, जब तक क्या गलत किए थे समझ नहीं आ जाएगी। ये रोजी कहाँ रह गई पता नहीं, शायद दिनेश के साथ अभी तक फोन पे लगी हुई है। हे भगवान, अद्विक अगर रूम तक चला गया तो। डार्लिंग, यू नो आई मिस्ड यू अ लॉट। पिछले एक साल में मैं हर दिन बस यही सोचती रही कि कब मेरा दिनेश वापस इंडिया आएगा और मैं उससे मिलने जाऊंगी। ओह मेरी जान रोजी, ये सारे धन दौलत सब तुम्हारे लिए ही तो कमाया है, पर मैंने सुना है तुम अद्विक के साथ रिलेशनशिप में हो, उसके घर पे रहती हो अब। अद्विक के साथ रिलेशनशिप में? माय फुट, उस भिखारी के साथ मेरी जैसी लड़की हरगिज रिलेशन नहीं बनाने वाली। कुछ भी नहीं है उसके पास, एक एक रुपया के लिए अपनी पत्नी के सामने गिड़गिड़ाता रहता है। मैं तो यहाँ पे रह के बस दिन गिन रही थी कि कब मेरा दिनेश राजा बन के वापस आएगा और मुझे इसके चंगुल से निकाल के अपने महल में ले जाएगा। तो रोजी, मुझे लगता है हमें जल्दी मिलना चाहिए, है ना? श्योर डार्लिंग, बहुत जल्द मिलेंगे हम। अच्छा, तो तुम्हारी सच्चाई ये है, मैंने तुम पे भरोसा करके यहाँ अपने घर पे ले आया, पैसे जेवरात गाड़ी किसी में कोई कमी नहीं की, फिर भी तुम मेरे पीठ पीछे मेरे बारे में ऐसे बोलती हो, और एक नया अफेयर। वाह रोजी मैडम वाह, असली रंग दिखाई दिए आप। अद्विक, अब हंस क्यों रही हो? खा गए ना धोखा? डार्लिंग, मैंने जब तुम्हें देखा कि तुम स्नेहा के साथ घर वापस आ रहे हो और इसका मतलब तुम उसके साथ मंदिर गए थे, तो मुझे बहुत गुस्सा आया सच में, और इसीलिए तुम्हें गुस्सा दिलाने मैं फोन पे झूठा बहाना करके यूं ही पके जा रही थी, ताकि तुम्हारा रिएक्शन देख के मुझे पता चले कि तुम सच में अब मुझसे प्यार करते हो या उस स्नेहा की चिकनी चुपड़ी बातों में आ चुके हो। बस मुझे इतना ही कंफर्म करना था। अब मैं श्योर हो चुकी हूँ कि मेरा अद्विक मुझसे कभी धोखा नहीं करेगा। आई लव यू जानू। रोजी तो अपना प्रेजेंस ऑफ माइंड अच्छे से इस्तेमाल करके अद्विक को फिर से उल्लू बनाई, लेकिन इस बार अद्विक रोजी के बातों से पूरी तरह से कन्विंस नहीं हुआ। पर रोजी के बारे में कुछ ज्यादा पता करे इससे पहले उसके दिमाग में बार बार गाड़ी के ब्रेक फेल होने की बात घूम रही थी।
वो किसी को कुछ बिना बताए पिछले रात की सीसीटीवी फुटेज चेक करने लगा। पर ये क्या, गैरेज का मेन कैमरा किसी कपड़े से तो ढका हुआ है। ये कैमरा ढका हुआ है, इसका मतलब कोई जानबूझकर ये सब प्लान किया होगा। गार्डन के पास और एक कैमरा है जिसके बारे में घर वालों के अलावा कोई नहीं जानता, उससे चेक करता हूँ, शायद कुछ मिल जाए। वो कैमरा चेक करते ही अद्विक एकदम से दंग रह गया, क्योंकि उसमें रोजी के पापा एक रेंच गैरेज के अंदर लेके गए और कुछ देर बाद चुपचाप इधर उधर देखते हुए बाहर निकले। अब उसे यकीन हो गया कि ये सब स्नेहा को जान से मार देने का प्लान था। स्नेहा को जान से मार के उसकी जगह रोजी को देना चाहते हैं उसके मम्मी पापा, ये तो बहुत ही गिरी हुई हरकत है। पर उन्हें तो अच्छी तरह से पता चल गया होगा कि मैं भी स्नेहा के साथ मंदिर चला गया था, पर वो तीनों में से किसी ने भी मुझे कॉल करके गाड़ी में बैठने से मना नहीं किया। इसका मतलब साफ है, दे ऑल वांटेड टू किल मी। अद्विक काफी देर तक बैठ के बस इसी बारे में सोचता रहा कि आखिर रोजी उसके साथ इतना बड़ा धोखा कैसे कर सकती है। स्नेहा तुम आओ, अंदर आओ। अद्विक क्या बात है, तुम पिछले कई घंटों से इसी कमरे में अकेले बैठे हो, तबीयत ठीक नहीं लग रही क्या? नहीं स्नेहा, ऐसी कोई बात नहीं है। तो क्या बात है, बोलो ना प्लीज, तुम बहुत परेशान लग रहे हो। नहीं स्नेहा, सब ठीक है, तुम चलो मैं डिनर करने आता हूँ। मालकिन सारा खाना लगा दिया है, आप भी बैठ जाइए ना, आज सब कुछ मैंने आपके पसंद का ही बनाया है। छी छी छी, ये सब क्या है, चिकन मटन कुछ भी नहीं बना आज, मुझसे तो ऐसा खाना खाया भी नहीं जाएगा। वो क्या है ना, आज घर पे नॉन वेज नहीं बनेगा क्योंकि बड़ी मालकिन का श्राद्ध है। श्राद्ध? तो उनका श्राद्ध है, इसका मतलब ये नहीं कि हम भी ये घास फूस खाएंगे। डिस्गस्टिंग। अद्विक बेटा, तुम देख रहे हो, हम अपना घर छोड़ के यहाँ तुम्हारे खुशी के लिए रुके हैं और हमें ढंग का खाना तक भी नसीब नहीं हो रहा। तो मत खाइए, हो सके तो होटल जाकर खाना खा लीजिए, नहीं तो बाहर से ऑर्डर कर दीजिए, आप तीनों के लिए। अद्विक, मैं कुछ गलत कह दिया क्या रोजी? अगर मैं स्नेहा को उसके पत्नी होने का हक ना देके तुम्हें उसके जगह पे रख सकता हूँ तो तुम मेरी माँ के लिए इतना भी नहीं कर सकती? पर उनके गहने, साड़ी, कपड़े और मेरे डैड के पैसों पे हक जता सकती हो, नहीं? डिस्गस्टिंग। अद्विक, मैंने तुमसे इतना प्यार किया पर तुम मुझे और मेरे मम्मी पापा को सबके सामने बेइज्जत कर रहे हो। अच्छा रोजी, इतना प्यार करती हो मुझसे पर मेरा बर्थडे तक याद नहीं तुम्हें? मुझे नहीं खाना अब, मम्मी पापा चलो यहाँ से। स्नेहा बैठो, खाना खाओ। हाँ हाँ मालकिन, आप बैठिए ना, मैं खाना लगा देती हूँ। अद्विक का रवैया कुछ बदला सा लग रहा है। जो भी हो, हमें उसके हाँ में हाँ बोलना चाहिए था, एक दिन एडजस्ट कर लेते तो क्या बिगड़ जाता। मम्मी क्यों इतना डर रहे हो, मेरी बात हो गई है दिनेश से, वो भी मुझसे मिलने बेताब हो रहा है, जल्द ही हम सब उसके पास चले जाएंगे। अरे उससे पहले मिल तो लो, देखो कि वो पहले जैसा इनोसेंट सा दिनेश है भी या नहीं, क्या पता तुम्हारी तरह और भी कितने रोजी होंगे उसके लाइफ में। पापा एकदम सही बोल रहे हैं रोजी, अभी कुछ भी नहीं कहा जा सकता। तुम जाओ अद्विक के लिए एक केक ऑर्डर करो और उसे अच्छे से मनाओ, ताकि दिनेश के बारे में हम जब तक श्योर नहीं हो जाते यहाँ पे आराम से रह सकते हैं। नहीं तो तुम्हें पता है ना, हमारा कोई घर ठिकाना नहीं है,
तुम्हारे बॉयफ्रेंड्स के भरोसे ही हमें छत नसीब होती है। अच्छा तो ठीक है मम्मी, मैं अभी केक ऑर्डर करके अद्विक को मनाने की कोशिश करती हूँ। अद्विक, तुमने सीसीटीवी फुटेज चेक किया? हाँ किया था। क्या मिला तुम्हें? क्या सच में किसी ने जानबूझकर मेरी गाड़ी का ब्रेक फेल किया था? नहीं, कोई भी नहीं दिखा कैमरे में। पता नहीं कैसे ब्रेक फेल हो गया था। अच्छा सुनो, मैं सोने जा रहा हूँ, तुम भी जल्दी सो जाना और गीता को बोलना तुम्हारे आसपास रहे। अद्विक, क्या बात है? अरे बोला ना, कुछ नहीं, बस गीता को अपने पास रखना, अकेले कहीं भी मत जाना प्लीज। बिना मतलब के अद्विक, ऐसे तो कभी रिएक्ट नहीं करता। अब लगता है मुझे ही सीसीटीवी फुटेज चेक करना पड़ेगा। इधर स्नेहा सीसीटीवी फुटेज चेक करने के बाद समझ चुकी थी कि ये सब रोजी और उसके मम्मी पापा का ही खेल है। और उधर रोजी मैडम, डार्लिंग हैप्पी बर्थडे। ये सब क्या है रोजी? मैं अभी सोने जा रहा हूँ। जिस रोजी से इतना प्यार करते हो उसकी एक भी गलती माफ नहीं कर सकते? सॉरी डार्लिंग, पता नहीं मैं कैसे तुम्हारा बर्थडे भूल गई। गुस्सा छोड़ो ना, ये देखो मैं तुम्हारे लिए केक लेकर आई हूँ, अब हम तुम्हारा बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे। अद्विक, रोजी के मुंह पे तो कुछ नहीं बोला, पर वो अब डिसाइड कर चुका था कि रोजी के बारे में सब पता करके रहेगा। स्नेहा, मैं ऑफिस निकल रहा हूँ, तुम अपना ध्यान रखना और याद से गीता को। हाँ हाँ, मुझे पता है, मैं गीता को बोलूंगी हमेशा मेरे पास ही रहे। ओके चलो बाय। बाय अद्विक, टेक केयर। अद्विक बदल रहा है, उसे अब मेरी फिक्र होने लगी है। हे भगवान, मेरा बच्चा होने से पहले अद्विक और मेरे बीच सब सही कर दो, ताकि जो दुख मैंने झेला है वो मेरा बच्चा कभी फेस ना करे, उसे माँ बाप दोनों का प्यार मिले। क्या बात है रोजी, ये सुबह सुबह इतना क्यों तैयार हो रही है? अद्विक तो चला गया ऑफिस। मम्मी, मैं अद्विक के लिए थोड़ी तैयार हो रही हूँ, आज तो मैं दिनेश से मिलने जाऊंगी। हाँ हाँ जा, दिनेश से मिलना बहुत जरूरी है, उससे मिलके जल्द ही यहाँ से निकलने का कोई प्लान बना, क्योंकि अब अद्विक के भरोसे रहना मुझे सही नहीं लग रहा। मम्मी पापा, आप दोनों भी मेरे साथ चलिए, वहाँ होटल में खाना खाएंगे, ऐश करेंगे, यहाँ पे रह के दिन भर बोर होने से बेहतर है कि मेरे साथ चलिए। मैं भी ठीक यही सोच रही, अजी चलिए ना, हम भी चलते हैं। तो फिर जल्दी करो, हमें शाम तक वापस आ जाना है, नहीं तो अद्विक को शक हो जाएगा। एकदम सही बोल रहे हो, आजकल बहुत उखड़ा उखड़ा सा रहता है वो, पता नहीं कब गुस्सा हो जाए, जरूर ये स्नेहा कुछ सिखा रही होगी। रोजी और उसके पेरेंट्स अद्विक के गैरेज से एक गाड़ी लेकर दिनेश से मिलने निकल गए, पर अद्विक अभी तक ऑफिस नहीं गया था। वो चुपके रोजी के बाहर निकलने का इंतजार कर रहा था। मम्मी पापा, दिनेश से मिलते ही बस पैसों की बातें मत करने लग जाना, उसके हाल चाल के बारे में पूछना, वो दुबई जाकर क्या काम करता था वो भी पता करना, नहीं तो क्या पता बाद में खुद फंसे और मुझे भी साथ में ले डूबे। हाँ हाँ, तू ये सब की चिंता मत कर, हम ध्यान रखेंगे। काफी देर जाने के बाद रोजी और उसके पेरेंट्स दिनेश जिस होटल में रहता है वहाँ पे पहुँच गए। ओ रोजी डार्लिंग, तुम्हें इतने दिनों के बाद देखकर दिल को सुकून मिला, चाहे मैं पूरी दुनिया घूम लूं, जितनी भी लड़कियाँ रख लूं,
पर तुम मेरी जान थी और हमेशा रहोगी। दिनेश तुम भी ना। अच्छा ये बताओ मेरे लिए दुबई से क्या लाए हो? तुम्हें क्या चाहिए एक बार बोल के तो देखो, दुबई से ऑर्डर करके यूं मंगवा लूंगा। अरे साहब जी आप यहाँ पे? रोजी इसी होटल में गई है ना? जी साहब, गाड़ी में बात कर रहे थे कि किसी दिनेश से मिलने आए हैं। ओह अच्छा, तो बात यहाँ तक पहुँच गई है। डार्लिंग, मुझे अब उस अद्विक के साथ रहना बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। बंदी बना के रखता है हमें। आज हम तीनों बहुत मुश्किल से वहाँ से निकल पाए हैं। तुम जल्दी कुछ प्लान बनाओ ना और हमें वहाँ से ले आओ। बेटा दिनेश, इंस्टा पे देखा था कि तुम्हारा बहुत सारा घर है, तुम उसमें से एक घर रोजी के नाम पे क्यों नहीं कर देती? फिर रोजी जिंदगी भर तुम्हारा ख्याल रखेगी और हम दोनों रोजी का। हाँ मिस्टर दिनेश, एक घर तो इन भिखारियों के नाम पे कर ही दो, नहीं तो एक दिन तुम्हें छोड़ के ये रोजी कोई और बकरा ढूंढ रही होगी। अद्विक, तुम ऑफिस नहीं गए? ऑफिस चला जाता तो तुम्हारी असलियत कैसे पकड़ पाता? हाँ ओह, तो तुम हमारा पीछा करते हुए यहाँ तक पहुँच गए। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस रूम के अंदर घुस के हमारी बातें सुनने की? रोजी, तुम किसी के घर पे रहने की लायक ही नहीं हो। रहो इस होटल में इस दिनेश के साथ। मुझे छोटे लोगों के मुंह लगना पसंद नहीं है। दिनेश तुम चुप क्यों हो? रोजी एक काम करो, अपना सामान लेकर इसी होटल रूम पे ही आ जाओ, क्योंकि मैं तुम्हें अपने घर पे तो नहीं ले जा सकता। मैं होटल में रहूंगी, पर क्यों? क्योंकि घर पे तो मेरी पत्नी रहती है। भाई जो भी हो जाए, मैं उसकी जगह और किसी को नहीं दे सकता। मैं अद्विक थोड़ी हूँ। तुम तीनों इसी होटल रूम में एक दो महीने रह सकते हो, फिर मेरा मन भर जाए तो तुम्हें तुम्हारे पैसे मिल जाएंगे और उसे लेकर और किसी के पास चले जाना। वैसे तो तुम तीनों बकरा ढूंढने में माहिर हो। दिनेश, नई लाइफ मुबारक रोजी, एंजॉय। आइंदा मेरे घर के आसपास भी दिखाई मत देना। अद्विक वहां से सीधा अपने घर चला आया और उसे इतने गुस्से में देखकर स्नेहा भी परेशान हो गई। अद्विक तुम ठीक तो हो ना? स्नेहा तुम एकदम सही बोल रही थी, रोजी जैसी तितलियां कभी भी एक फूल में नहीं टिकते। मुझसे इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई? क्यों मैं समझ नहीं पाया उन लालची इंसानों को, क्यों? मुझे ये सब पहले से ही पता था, इसलिए तो मैं बार बार तुम्हें वॉर्न करती रही। मैं कई बार उसे किसी दिनेश के साथ बात करते हुए सुनी हूँ। जो होना था वो हो चुका है अद्विक, अब सब सही करने का वक्त आ गया है। हम उसका क्या बिगाड़ लेंगे अब, वो तो दिनेश के साथ रहने को तय कर चुकी है। वो चाहे रहे जहाँ पर भी और जिसके भी साथ, पर अपने कपड़े गहने और चोरी के पैसे लेने जरूर यहाँ पे आएगी। और इस बार वो बस अपना सामान लेकर नहीं जाएगी, कुछ और ही सोच कर रखी होगी वो। हमें तैयार रहना होगा। इधर अद्विक रोजी को छोड़ चुका था और उधर दिनेश भी रोजी को बस एक स्कर्ट की तरह ट्रीट करने लगा। उस अद्विक के वजह से मैं दिनेश को भी खो दी, अब ना घर का रहे और ना घाट का। अरे वो सब छोड़ो, पहले ये सोचो कि हमारे इतने सारे कीमती गहने पैसे और कपड़े अद्विक के घर से कैसे लाएं। उसके घर से हमें हमारा सामान मिल जाए, फिर हम आराम से किसी दूसरे शहर में नया बकरा ढूंढ लेंगे। ये कौन सी बड़ी बात है? रोजी जल्दी करना, और सुनो, और याद करके मेरा काला बैग लेकर ही आना, उसमें भी बहुत सारे पैसे हैं। वो सब तो मैं ले आऊंगी पापा, पर एक काम खत्म करना उससे भी जरूरी है। रोजी रात के अंधेरे का फायदा उठाती
अद्विक के घर में घुसी और चुपके से अपना सारा कीमती सामान बैग में भर लिया। अब एक आखिरी काम, ना रहेगी स्नेहा और ना रहेगा उसका बच्चा। मैं भी देखूंगी अद्विक अब कैसे खुश रहता है मेरे बगैर। अब रोजी दबे पांव स्नेहा के कमरे में घुसी। कमरे में इतना अंधेरा था कि उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। और तभी, ओ रोजी मैडम, हमें पता था तुम जरूर ऐसे ही कुछ करोगी। अगर तुम यहाँ पे नहीं आती तो शायद हमें पुलिस को बुलाना भी नहीं पड़ता। पुलिस? यस पुलिस। तुम तीनों को अटेम्प्ट टू मर्डर जुर्म में हिरासत में लिया जाता है। चलो सब। साहब, साथ में चोरी का भी केस लगा देना। स्नेहा, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है। और गीता, तुम एक बड़ी बहन की तरह हमेशा हमारे साथ खड़ी रही, इसीलिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। पुरानी बातें भूल जाओ अद्विक, अब हम दोनों एक नई जिंदगी शुरू करते हैं। दोनों नहीं, तीनों नए मेहमान जो आने वाला है। ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए। अरे 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 अरे, इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। जल्द ही मिलेंगे और एक मजेदार रोमांचक कहानी के साथ। नमस्ते।